ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता गुजराती लेखक और कवि राजेंद्र केशव लाल शाह की कृतियों का संकलन हिंदी और गुजराती दोनों भाषाओं में भारतीय ज्ञानपीठ ने प्रकाशित किया है। प्रस्तुत है उनकी पुस्तक सांप्रंत में चिरंतन से जुड़ी एक रिपोर्ट। साहित्य सृजन के लिए मूर्धन्य साहित्यकारों को दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार भाषा और साहित्य के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा सन 2001 के लिए यह पुरस्कार गुजराती भाषा के यशस्वी और शीर्ष स्थानीय कवि राजेंद्र केशवलाल शाह को दिया गया है। 28 जनवरी 1913 को गुजरात के खेड़ा जिले के कपड़वंज में जन्मे राजेंद्र शाह के अब तक 21 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। उनका पहला काव्य संग्रह ध्वनि था। आंदोलन, शांत कोलाहल, विषादने साध, चंदन भीनी अनामिक आदि काव्य संग्रह भी काफी चर्चित रहे। ये प्रयत्न किया गया कि राजेंद्र शाह की सारी पुस्तकों में से सर्वश्रेष्ठ कविताओं के का चुनाव किया जाए और गुजराती और हिंदी के ऐसे मर्मज्ञों को चुना जाए जो उसका अनुवाद कर सके। हिंदी पाठकों के सामने भी समग्रता से रखने के लिए एक और उनकी गुजराती कविता का नागरी लिपि में दिया गया गुजराती कविता को, दूसरी तरफ हिंदी में अनुवादित किया गया। गुरुदेव रविंद्र और गांधी युग की छाया में अपना लेखन आरंभ करने वाले राजेंद्र शाह की कविताओं में सौंदर्य एवं अध्यात्म का संगम देखने को मिलता है। 93 वर्षीय कवि की आजीवन साधना का चयनित संकलन है सांप्रत मैं चिरंतन, जिसे 264 पृष्ठों में भारतीय ज्ञानपीठ ने प्रकाशित किया है। इस संकलन में नागरी लिपि में मूल गुजराती कविताओं के साथ ही हिंदी अनुवाद भी प्रस्तुत किया गया है। वीरेंद्र मिश्र के साथ तृप्ति श्रीवास्तव, डीडी न्यूज। आज हमारे बीच खास मेहमान है लेखक संपादक प्रभाकर क्षोत्रिय। आइए ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता की कृति पर इनसे बातचीत करते हैं। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में आपका। सबसे पहले जानना चाहेंगे प्रभाकर जी, राजेंद्र शाह जी किस तरह के कवि माने जाते हैं? राजेंद्र शाह सौंदर्य, प्रेम, दर्शन और एक तरह से जीवन की व्यापकता के कवि हैं। जिस तरह पिछले एक अरसे से यथार्थवादी कविता को हमारी यहाँ तरजीह दी गई, उससे एक अलग, जैसे कि राजेंद्र शाह ने कविता खुद लिखी है निरुद्देश, कि जिससे जीवन के किसी इन पहलुओं से के प्रति सापेक्ष नहीं है, वो एक निरपेक्ष इनसे ऊपर उठे हुए कवि हैं। और खासकर जैसा कि वो कविता का स्वभाव मानते हैं और स्वयं कवि का स्वभाव भी है कि जीवन के इन झमेलों में तो दुनिया उलझी रहती है, इससे ऊपर वो किसी सौंदर्य और अनिर्वचनीय सुख का अनुभव अपने पाठकों को कराएं, यही उनकी कविता का विशेष प्रतीत होता है। 93 साल की उम्र में उनको ज्ञानपीठ दिया गया, तो इतनी देरी क्यों हुई? अब ज्ञानपीठ पुरस्कार की एक लंबी प्रक्रिया है। 18 भाषा के रचनाकारों को पुरस्कार देना होता है और उसमें बारी बारी से पुरस्कार मिलते हैं सभी भाषाओं को, तो इसमें देर भी हो जाती है कई बार किसी लेखक को समय पर भी मिल जाता है। लेकिन एक लंबे अरसे से राजेंद्र शाह पर विचार चल रहा था, लेकिन बीच बीच में दूसरे कवि आते रहे, दूसरी भाषाओं के रचनाकार आते रहे, तो इस लंबी प्रक्रिया में, क्योंकि एक ही भाषा के लिए दिया नहीं जाता, 18 भाषा के लिए दिया जाता है, और जैसे कि 1985 में गुजराती को दिया गया था, तो 1985 के बाद अब लगभग 20 साल के बाद गुजराती का नंबर आया है। ये गुजराती के तीसरे कवि हैं जिनको दिया गया। इसी तरह कन्नड़ है, मलयालम है, तमिल है, तेलुगु है, पंजाबी है, गुजराती है, सब भाषाओं के रचनाकारों को पुरस्कार दिया जाता है। इसमें कई बार रचनाकार को देर से पुरस्कार मिलता है। और प्रभाकर जी, कवि राजेंद्र जी ने 21 कविता संकलन उनके आ चुके हैं जी, इस किताब में क्या खास रहा, क्या खास बात थी इसमें, और इसका हिंदी अनुवाद भी किया गया है जी, क्या खास था इस किताब में? ज्ञानपीठ पुरस्कार जिस लेखक को मिलता है, चाहे वो कथाकार हो तो कहानियों का प्रतिनिधि संकलन, और अगर वो कवि है या दूसरी विधाओं में है, तो वो उन रचनाओं को संकलित करके ज्ञानपीठ प्रकाशित करता है। ज्ञानपीठ का उद्देश्य होता है कि जिस रचनाकार को उसने प्रकाशित किया है, उसका सार और उसका उसका जो एक तरह का निचोड़
एक कृति में प्रस्तुत कर दिया जाए। तो इसमें राजेंद्र शाह के तमाम 24 कविता संकलनों में से चुनी हुई रचनाएं हैं और चुनी हुई रचनाओं को हिंदी पाठकों के लिए उपलब्ध कराया गया है। ज्ञानपीठ में एक प्रारंभ से उसका उद्देश्य रहा है कि राष्ट्रभाषा में वो देश की तमाम भाषाओं के श्रेष्ठ सर्जकों को लाए ताकि एक व्यापक उनको मंच भी मिल सके और बहुत बड़ा पाठक वर्ग उसको मिल सके। तो यदि हमने मान लीजिए कि ज्ञानपीठ के में पुरस्कृत किया है किसी लेखक को, राजेंद्र शाह को पुरस्कृत किया है, तो वो पाठक समाज के सामने रखना चाहता है राजेंद्र शाह क्या है और क्या है, इस बात को रखने के लिए एक रचनाकार की चुनिंदा रचनाओं को लेता है, क्योंकि जीवन में सब तो कोई श्रेष्ठ लिखता भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि पाठकों को पता चल जाए, सार रूप में पता चल जाए कि जिस कवि को पुरस्कृत किया गया है उसकी क्या विशेषता है, उसका क्या काव्य सौंदर्य है, उसका क्या अनुभव जगत है, उसका कितना विस्तार है या उसकी कौन कितनी कितनी दिशाएं हैं। और अगर ज्ञानपीठ की बात करें तो किन किन लोगों को ये मिल चुका और कई बार जी सबसे पहले तो मलयालम के कवि जी शंकर कुरुप को मिला है पुरस्कार, उसके बाद ताराशंकर बंदोपाध्याय को मिला है बांग्ला के, गुजराती के उमाशंकर जोशी को मिला इनसे पहले, फिर पुट्टप्पा को मिला है कन्नड़ में, सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी में मिला, फिराक गोरखपुरी को उर्दू में, और विश्वनाथ सत्यनारायण को तेलुगू में, विष्णुदेव को बांग्ला में, रामधारी से दिनकर को हिंदी में, दरा बेंद्रे को कन्नड़ में, गोपीनाथ मोहंती को मिला है उड़िया में, तमिल में अखिलनंदन को मिला है, कन्नड़ में शिवराम कारंत को मिला है, हिंदी में सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय को मिला है, असमिया में वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य, अमृता प्रीतम को पंजाबी में मिला है, हिंदी में महादेवी वर्मा और कन्नड़ में वेंकटेश अय्यंगार को मिला है मास्ती, पक्षी शिवशंकर पिल्ले को मलयालम में, पन्नालाल पटेल को इनके पहले राजेंद्र शाह के गुजराती में मिला है, सच्चिदानंद राउत राय को उड़िया में मिला है, और कुसुमाग्रज को मराठी में, सी नारायण रेड्डी को तेलुगु में, कुर्रतुल्लन हैदर को उर्दू में, विनायक कृष्ण गोकाक को कन्नड़ में, सुभाष मुखोपाध्याय को बांग्ला में, नरेश मेहता को हिंदी में, सीताकांत महापात्र को उड़िया में, कुजू आर अनंत मूर्ति को कन्नड़ में, एम टी वासुदेवन नायर को मलयालम में, मता देवी को बांग्ला में, अली सरदार जाफरी को उर्दू में, गिरीश कर्नाट को कन्नड़ में, निर्मल वर्मा को हिंदी में, गुरदयाल सिंह को पंजाबी में, असमिया में इंदिरा गोस्वामी को, और अब ये 40वां पुरस्कार राजेंद्र शाह को दिया गया है। प्रभाकर जी, जैसे हमने बात की, आपने बताया कि 20 साल में ये तीसरे गुजराती लेखक कवि हैं जिनें पुरस्कृत किया गया। ज्ञानपीठ बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। किसी लेखक या कवि को अगर एक कहे सपना तो नहीं कह सकते, हाँ लेकिन अगर ये तो बहुत ही सम्मानजनक एक सम्मान। आपने सपना कहा वो भी ठीक ही है, एक लेखक का स्वप्न होता है ये ज्ञानपीठ पुरस्कार उसको जीवन में। जी हाँ, लेकिन इस स्वप्न के साथ कोई लेखक लिखता नहीं है, लेकिन मिले तो बहुत ज्यादा उसे खुशी होती है। सम्मान कितना प्रतिष्ठित है ये सम्मान। लेकिन जैसे आपने बात की, इतनी भाषाएं हैं, तो 30 साल में या 20 साल में तीन ही लेखक सिर्फ गुजरात के चुने गए, गुजराती या इसी तरह से और अन्य भाषाओं के या हिंदी के गए, तो बहुत सारे अछूते लेखक नहीं रह जाते हैं। नहीं, ये तो बात ठीक है, लेकिन अब साल तो एक ही होता है साल में, तो इसलिए एक ही लेखक को पुरस्कृत किया जा सकता है और इतनी भाषाएं हैं, तो ये तो एक संयोग भी होता है। देखिए, ये नहीं कहा जा सकता है कि ज्ञानपीठ ने जिन लेखकों को पुरस्कृत किया भारतीय भाषाओं में मात्र वही लेखक सबसे बड़े हैं। कई बार बहुत अच्छे लेखक छूट भी जाते हैं जी। ऐसा समय आता है, लेकिन एक बात को बहुत गौर करना चाहिए इस मामले में, पुरस्कार के मामले में या सम्मान के मामले में, कि जब हम किसी एक व्यक्ति को रेखांकित करते हैं तो उस तरह की सारी श्रेष्ठताएं रेखांकित हो जाती है। जैसे शीश महल होता है, उसमें एक दिया जलाते हैं तो असंख्य दीप शिखाएं चारों तरफ दिखाई पड़ती हैं। तो जब भी हम किसी श्रेष्ठता को पुरस्कृत करते हैं, किसी के मूल्य के लिए, किसी की गरिमा के लिए, किसी कवित्व के लिए जब किसी को पुरस्कृत करते हैं, सम्मानित करें, तो उस तरह की सारी श्रेष्ठताएं उससे अपने आप सम्मानित हो जाती हैं। तो ये मानकर, ये तो प्रतीक है जी। ये कोई जरूरी नहीं है कि हर लेखक को, बहुत बड़े बड़े लेखक हैं जो रह गए, साहित्य अकेडमी सम्मान से रह गए हैं, ज्ञानपीठ सम्मान से रह गए हैं, ये मतलब नहीं है कि इसके अलावा कोई कवि नहीं है। आप ही की बात को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूंगी कि पुरस्कार की हम लोगों ने बात की, तो ज्ञानपीठ जो है रीजनल लैंग्वेजेस को और बढ़ावा देने के लिए और क्या क्या इस दिशा में कर रहा है।
सबसे पहले तो बात यह है कि शायद ज्ञानपीठ भारतीय भाषाओं के का को हिंदी में लाने वाला सबसे बड़ा प्रकाशन संस्थान है। ज्ञानपीठ का कोई एक ही काम नहीं है पुरस्कार देना, ये एक विचार के क्षेत्र में मूर्ति देवी पुरस्कार देता है, एक ज्ञानोदय नया ज्ञानोदय जैसी पत्रिका निकालता है जो देशभर में सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य को सामने रखती है, और सबसे बड़ा प्रकाशक है ये भारतीय भाषाओं के हिंदी अनुवादों का। अच्छी अच्छी कृतियां देश भर की हिंदी में अनुवादित करती है, और भारतीय इस तरह से ज्ञानपीठ का कोई 1000 प्रकाशन है, तो ये काम इस दिशा में करते हैं। और वो जो मूर्ति भी दिया जाता है वो भी सभी भाषाओं को दिया जाता है जी, तो ये सभी भाषाओं के क्षेत्र में काम करते हैं जी। प्रभाकर जी, पढ़ने लिखने वालों को या कहें कि जिन्हें पढ़ने की चाह है उनको सच में ज्ञानपीठ ने बहुत बहुत खास किताबें दी हैं, खासकर उन भाषाओं के जिनको वो नहीं पढ़ सकते और हिंदी में अनुवाद करके। शुक्रिया प्रभाकर जी, आप हमारे स्टूडियो में इतनी बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद।